आई एम बैक विद द न्यू ब्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं देखने की नैनीताल की नाइट लाइफ कैसी होती है। यहाँ पे एक मॉल रोड है, वहाँ पे दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, यूपी के लोग आते हैं वीकेंड्स पे शॉपिंग करने, घूमने के लिए। और यहाँ पे स्ट्रीट पे एक फूड वगैरह लगती है, स्ट्रीट फूड और शॉपिंग की शॉप्स रहती हैं। आइए एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है, और कुछ खाए पियेंगे, अगर शॉपिंग करने लायक कुछ होगा तो वो शॉपिंग करेंगे। और हम लोग निकल रहे हैं अब मॉल रोड के लिए, नॉट माल रोड, ठीक है कह सकते हैं वैसे, समझ रहे हो? समझ रहे हो। ठीक है तो आइए चलते हैं। अभी हम लोग आज थोड़ा थोड़ा तो बहुत भीड़ कम है ना, क्यों बताओ? हाँ, क्योंकि वीकेंड नहीं है, वीकेंड पे। अरे वीक जिस दिन आए थे हम लोग उस दिन तो पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। यहाँ से गाड़ी लेके अंदर जा नहीं सकते, जो से गाड़ी हम लोगों ने दूर खड़ी करी है। साइकिल चलाएगी? हाँ अच्छा आइए, क्या देखना है? अच्छा ओके, बैक कैमरा क्या देखो। बताशे खाएगी? बताशे में खाऊंगा, देखते बताशे कैसे हैं। भाई हम लोगों ने बताशे खाए हैं, आप जानते हो कितने के? 30 रुपए के 6, 30 रुपए के 6 बताशे। इतने बेकार वाहियात बताशे थे, कभी भी आओ तो पहले रेट पूछ के खाओ। आप बताशे बताशे क्या, कोई भी चीज़ खाना हो तुम्हें तो पहले रेट पूछ लो भैया, क्योंकि मेरे को लगा 20 रुपए हुए तो मेरे से, मैंने 20 रुपए निकाल के उसको दिए तो उसने कितने मांगे? 60 रुपए कह रहे भैया, 60 हुए हैं। और कह रहा है महंगाई का दौर चल रहा भैया, आप समझिए। हमने कहा अच्छा, महंगाई के दौर पे हमें इसे लूटना था। हाँ ये लो, वो सारा पैसा लग रहा था, मेरे को देख के वसूल करना चाह रहा था। कौन सा क्या ये? अब उनको ये खरीदनी है। क्या लेना? ले लो। नहीं, ये 30 का है, ये अनारदाना बोल रहा है। हाँ तो लेना क्या? लेना तो ये इमली का ही था। तो खरीदना कुछ नहीं है, फालतू को दुकानदारों का टाइम वेस्ट कर रही है। मेरे को देखो बताशे खाने से मैंने खा लिए और मैंने अपना चूतिया भी कटवा लिया, इसीलिए मैंने कटवा रही हूँ। हाँ तूने तो रेट भी पूछ लिया, तब भी क्यों नहीं लिया? तुम्हारा वाला तो सही था, मेरे को तो 12 बताशे उसने खिलाए और मेरे से 60 रुपए ले लिए। मतलब हद होती है लूटपाट की नैनीताल वालों। ले स्ट्रीट पे देखते हैं क्या क्या दुकानें मिलती हैं। बाइक ऑन रेंट आप अगर आओ तो यहाँ माल रोड से, मॉल रोड से उठा के ले जाओ। मेरे मुंह से यार माल रोड निकल रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन है इसके पीछे एक रीज़न है, बता नहीं सकते व्लॉग में, बस निकल रहा है। यही बताशे वाला है, कभी भी यहाँ पे आओ तो यहाँ से बताशे लगाना, कभी भी ये बताशे यहाँ लगाता है। बनारसी पैन गिफ्ट सेंटर पे, यहाँ कभी बताशे मत खाना यहाँ पे आना तो, ये मॉल रोड पे है। ये लोग ठगते बहुत है। अभी आज तो कुछ खास नहीं है। हाँ यहाँ कुछ खास नहीं है, अभी फिलहाल निकलते देखते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं इधर के अगल बगल, थोड़ा और मार्केट है देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे, फिर होटल निकलेंगे, सुबह निकलना भी है अपने को। आइए चलते हैं श्री मार्केट में, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। ये रहा यहाँ का नैनीताल व्यू, ये कुछ खास मार्केट नहीं लग रही है, उसी स्ट्रीट से जस्ट बगल में थी। आगे कुछ खास लग नहीं रहा तो जाने का मन नहीं हो रहा मेरा, वापस चलते हैं।
अपने लोग चलने देखते हैं, कोशिश करते हैं उधर साइड अगर रास्ता हुआ तो उस साइड चलते हैं, इस ताल के उस साइड। आओ निकलते हैं यार, तो आओ गाड़ी लेते पहले, एटीएम दे दे दो कैश। अभी हम लोग इसमें नैनीताल लेक के बगल में हैं, आपको मैं यहाँ का नज़ारे दिखाता हूँ। वेट, ये देखो मछलियाँ ऊपर हैं, सारी मछलियाँ ऊपर हैं, कितनी बड़ी बड़ी हैं भाई। और पूरे इस ताल में, पूरे ताल में बहुत सारी मछलियाँ हैं, हद से ज़्यादा। हम लोग उस कॉर्नर पे थे तब भी। अब ये देखो, ये पहाड़ है, सारे के सारे पहाड़। इधर साइड कम घर हैं, इधर साइड तो मेरे को लग रहा है ना, ये देखो चार घर बीच में पता नहीं क्या कर रहे हैं। हैं इधर देखो पूजा, ये लोग ये चार जो नहीं यार भाई, इतने पहाड़ पहाड़ पे घर अगर मेरे को लेना हो तो मैं ना रह पाऊँ भाई, मेरे से ना हो पाएगा। अब यार हम लोग एटीएम ढूंढ रहे हैं, इधर साइड का एटीएम नहीं मिल रहा कैश वगैरह निकालने के लिए। क्यों अभी और यहाँ पे वो भी नहीं हो रहा है, UPI वगैरह और क्या बोलते हैं, अभी हम लोग को खाना भी पैक कराना है, खाना भी है, अंकल हमें निकलना है, उसके लिए हमें इमरजेंसी के लिए पैसे भी रखने हैं। हाँ तो चलो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा अपने लोगों को, पहले पैसे निकालते हैं फिर उसके बाद कुछ खाते हैं, फिर चलते हैं होटल, फिर सुबह लेंगे। सो अभी हम लोग पहुँचे होटल और खाना मिला नहीं, क्योंकि जहाँ पे कैश निकाला हम लोगों ने वहाँ पे होटल वगैरह था नहीं, तो हम लोगों ने सोचा होम स्टे पे आके ऑर्डर करेंगे। तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है, चाय है, कर्ड है, पराठे हैं, दही के हैं और गोभी के, और उसके साथ अचार और ग्रीन चटनी। सुबह की पैकिंग हो गई है, अर्ली मॉर्निंग निकलना है। लाइटनिंग यहाँ पे अच्छी नहीं है तो इस वजह से वीडियो क्लैरिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। सुबह हम लोग निकलेंगे 5 या 6 बजे तक, और ये कुछ खास ब्लॉग रहा नहीं क्योंकि हम लोगों ने जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे सैटरडे संडे था, सैटरडे संडे को यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा लगी रहती है, और इस समय नॉर्मली डेज में उतना ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है और दुकानें भी उतनी ज़्यादा नहीं लगी थी, तो उतना खास क्राउड था नहीं, तो इस वजह से ब्लॉग भी बढ़िया नहीं बना। अगर आपको आना है सैटरडे संडे, आना है यहाँ पे नैनीताल, तो आप सैटरडे संडे को आओ, बट आप होटल प्री बुक कर लेना, लोकेशन चेक कर लेना कहाँ पे है। हम लोग की तरह, हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही वो कर लिया था कि नहीं यार चलते हैं, हो जाएगा, बुक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन जिस दिन हम लोग बुक कर रहे थे उस दिन बहुत एक्सपेंसिव दिखा रहा था, 8,000, 6,000, 4,000 से ऊपर ही दिखा रहा था, तो इस वजह से हम लोगों ने किया नहीं था। तो आप अगर आओ तो प्री बुक करो, और अपने कन्वेंस से आ रहे हो तो यार थोड़ा आराम से यहाँ पे बाइक वगैरह चलाना, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा इंसिडेंट से एक बचे थे, तो इस वजह से मैं आपको सजेशन दूंगा यहाँ पे आराम से चलाना। और हेलमेट अगर पिलन राइडर भी आपके साथ हो तो दोनों लोग हेलमेट पहनना, क्योंकि यहाँ की रोड जो है बहुत स्लिपरी है। आज मेरी बाइक स्लिप होते होते बची है, और अगर स्नो व्यू क्या था, स्नो व्यू पॉइंट पे आप अगर जा रहे हो तो खास करके याद रखना कि आपके टायर अच्छे खासे हों, ठीक है, ब्रेक सही चल रही हो, लग रही हो, और कोई दिक्कत ना हो बाइक में, तो ही आप जाना। क्योंकि हम लोग वापस आ रहे थे तो ABS तक वर्क नहीं किया, जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी का ब्रेक मारा मैंने पूरा ब्रेक पे हाथ रखा था। इंसिडेंट बहुत तो अलग था, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट ये था कि बाइक को थोड़ा मोड़ा स्क्रैचेस आ जाते हैं और टूट जाती, तो उसमें हम दोनों को तो हार्म नहीं होता बट बाइक हार्म हो जाती, तो इस वजह से आप आओ तो पहले पूरा सेफ्टी के साथ जाना तो जानो, नहीं तो अदरवाइज आप कैब कर लो, और या फिर क्या था वो, रोप वे चले जाओ, वो सबसे इजी है, बट वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, कॉस्टली तो कैब भी पड़ेगा ना, अगर दो लोग हो तो कॉस्टली कैब भी पड़ेगा, और रोप वे भी 300, तो रोप वे जाओ ज़्यादा बढ़िया है, एक घंटे के लिए वो लोग ऊपर लेके जाते हैं, फिर वो लोग वहाँ पे एक घंटे के लिए छोड़ देंगे आपको, फिर वापस रोप वे से नीचे कर मॉल रोड पे ले आएंगे। तो गाइज अब सुबह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जा रहा मैं सोने, कुछ खाने होने के बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
जो नैनीताल टू लखनऊ, ठीक है? तो लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में बताओ कि नैनीताल में जितने वीडियोस बनाए हम लोगों ने उसमें आपको क्या अच्छा लगा, या फिर मेरे वीडियोस में कोई कमी हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। ओके।